गाइस आज मैं लेकर आई एक न्यू वीडियो फ्रेंड्स। आज मैं लेकर आई हूँ स्किन वाइटनिंग फेस वॉश के ऊपर एक ऐसा वीडियो जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, तो वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स। मेरा वीडियो लेट आने के लिए आई एम सॉरी, मैं थोड़ा ट्रिप में बाहर गई थी इसके लिए मेरे काफ़ी सारे वीडियो स्किप हो गए हैं और आपने मिस किया होगा तो इसके लिए सॉरी। और आज मैं लेकर आई हूँ, आज से मेरा डेली वीडियो अपलोड होगा तो वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं ऑनेस्ट रिव्यू लेकर आती हूँ आपके लिए। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो ये मैंने ऑर्डर किया था, जैसे कि इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो और रिव्यू वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये एक वो वाला फेस वॉश है जो मैं फर्स्ट इस्तेमाल करती थी और ये मैंने सेकंड इसको इस्तेमाल करने का लिए लाया था। ठीक है, ये मैंने ख़त्म कर दिया था तो इसके लिए मैंने फिर ये वाला ऑर्डर किया था क्योंकि मुझे इसका रिव्यू भी बनाना था और मुझे इसको ट्राई करके देखना था कि ये सच में रिजल्ट देता है या नहीं। एक्चुअली ये थोड़ा सा यहाँ पे स्टिक चिपक गया है, गम है जो कि उसके स्टिकर का था। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल O+3 फेस वॉश ब्राइटनिंग एंड वाइटनिंग वाला जो कि हमको मिला था तकरीबन 650 रुपीज़ का। ये मैंने ऑर्डर किया था मिंत्रा से और ये मैंने यहाँ से शॉप से ही मैंने फार्मेसी से ही लाया था। ठीक है, ये बी ग्लो फेस वॉश है जो कि काफ़ी अच्छा है फेस वॉश, बट मुझे दोनों में से कौन सा अच्छा लगा तो इसके ऊपर मैं आपको आज पूरा डिटेल में वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि दोनों के ऑलरेडी वीडियोस मेरे चैनल में अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। बट मैं आपको ये एक मेरा ऑनेस्ट रिव्यू जो कि मुझे शेयर करना था तो मैं वो लेकर आ गई हूँ। फर्स्ट मैं ये वाला ट्राई करती हूँ, उसके बाद ये लाया। तो मैंने ये वाला ट्राई करना छोड़ा क्यों, तो उसका रीज़न ऐसा नहीं है कि ये फेस वॉश अच्छा नहीं है, ये काफ़ी अच्छा फेस वॉश ही आपकी स्किन को क्लीन करता है, आपको रेडियंस आपके फेस में रेडियंस देता है और आपके स्किन को एक अच्छा सा नेचुरल ग्लो देता है। आपको वाइटनिंग लाइटनिंग वाला को फील होता है। ठीक है, आपकी स्किन को लाइटन करता है, इंस्टेंट ग्लो देता है आपके फेस को, ये 100% आपके फेस को सूटेबल होता है और पिंपल्स को होने से ये फेस वॉश रोकता है क्योंकि ये जब भी मैं इस्तेमाल करती हूँ तो मुझे पिंपल्स की शिकायत नहीं होती फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी अच्छा फेस वॉश मेरे लिए रहा है आज तक क्योंकि ये लगाने से मुझे पिंपल्स को फेस नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अब प्राइस की बात करें तो दोस्तों ये मुझे 210 का मिला था और इसने 210 के फेस वॉश के अकॉर्डिंग इसने काफ़ी अच्छा वर्क किया है मेरे फेस के ऊपर। इसने मुझे पिंपल फ्री स्किन दी थी और काफ़ी ग्लो, इंस्टेंट ग्लो मुझे स्किन दी थी। आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाती है इसको कुछ दिन इस्तेमाल करने पर, आपके जितने भी मींस ड्राई स्किन होती है या आपकी स्किन काफ़ी रफ होती है तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से उसको ठीक करता है। ये काफ़ी अच्छा मींस मेरी स्किन को आज तक का सबसे बेस्ट फेस वॉश रहा था मेरे लिए ये वाला। तो इसने काफ़ी अच्छा मींस मेरे फेस के ऊपर वर्क किया था। तो उसके बाद हम बात करते हैं ये वाले फेस वॉश की। ठीक है, तो ये फेस वॉश है प्रोफेशनल O+3 का ब्राइटनिंग एंड वाइटनिंग एडवांस स्किन ब्राइटनिंग फेस वॉश जो कि 650 का कुछ मिलता है और ये मैंने तकरीबन 1 मंथ इसको इस्तेमाल किया है और इससे इस्तेमाल करने पर आपकी स्किन को वाइटन वाला लुक मिलता है, आपकी स्किन इसके जैसे क्लियर होती है। सेम चीज़ दोनों में सिमिलरिटी काफ़ी ज़्यादा है, ये भी सेम स्किन को आपकी क्लीन करता है, सब कुछ ठीक करता है, आपकी स्किन को रिस्टोर करता है, आपकी स्किन को वाइटन लुक देता है, इंस्टेंट आपको वाइटन लुक मिलता है और आपकी स्किन दिन पर दिन वाइटनिंग वाला लुक देती है और ये काफ़ी अच्छी तरीके से आपकी स्किन को ब्राइटनिंग करता है और इससे आपके जो भी डार्क स्पॉट हो वो सब रिमूव होते हैं। बट इसमें मेरे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, आई डोंट नो व्हाई ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ कि इसको मैंने तकरीबन कुछ दिन इस्तेमाल किया तो मुझे ये फेस में थोड़ा सा बर्न होता था, मेरा फेस में जलन होता था इसको इस्तेमाल करने से क्योंकि ये स्किन को पील करती थी आई थिंक, तो ये कुछ इस तरीके से इसने वर्क किया था मेरी स्किन के ऊपर। तो मुझे नहीं लगता ये मेरी स्किन के टाइप है बट इसमें सूटेबल फॉर ऑल
टैब स्किन लिखा था, तो मैंने इसको ऑर्डर करके इसको इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो दोनों फेस वॉश काफ़ी अच्छा है, ये अपने प्राइस के अकॉर्डिंग बरोबर है, इसने अपने प्राइस के अकॉर्डिंग सच में इससे उससे बेहतर इसका रिजल्ट है बी ग्लो का। और बात करें हम ओप्लस 3 की, तो इसको इस्तेमाल करने का मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 मंथ ज़्यादा से ज़्यादा हुआ होगा, तो इसको इस्तेमाल करके मुझे ऐसा फील हुआ है कि स्किन को आपके वाइटनिंग लुक देता है, आपकी टैन को रिमूव करता है फेस से, आपके स्किन को तुरंत वाइट करता है, ये सच में करता है, ऐसा नहीं है कि बस बताता है, ये सच में करता है। तो अगर आपका अफोर्ड कर सकते हो तो आप इसको ले सकते हो 650 का। अगर आपको एक फेस वॉश लेना है 650 तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस हो जाता है एक फेस वॉश के लिए, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ये ले सकते हो। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो सेम चीज़ इसमें भी आपको मिलती है देखने में, बट इसमें आपकी स्किन को ग्लो आता है और इसमें आपके लुक को थोड़ा सा वाइटन आपका दिखता है। दूसरा इसमें कोई भी सिमिलरिटीज मीन्स ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है जो इसमें मिलती जुलती ना हो। ठीक है, तो इसमें बस आपको लुक वाइट दिखता है, इसमें आपका स्किन काफ़ी ग्लो करता है, आपका स्किन मिरर के जैसे ग्लो करने लगता है और काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट आपका फेस होता है, तो काफ़ी अच्छा लुक तो आपको ये फेस वॉश भी देता है। तो मैं इसको अब तक इस्तेमाल कर रही थी, इसके लाने के बाद भी मैंने इसको ऑर्डर किया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी स्किन बर्न करने लगी थी, तो मैंने फिर से ये वाला स्टार्ट कर दिया और 3-4 दिन से मैं ये वाला फेस वॉश इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता देना, और आपको भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उसकी वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना, टेक केयर।